एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज जो है माइक्रोब के नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द सेडिमेंट ऑफ सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, मतलब कि जो भी सेडिमेंट जो रहता है, जो सेडिमेंट का मतलब होता है बचा हुआ पार्ट, ठीक है, तो जो भी बचा हुआ पार्ट होता है सेकेंडरी टैंक के अंदर उसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज एंड पार्ट ऑफ इट्स यूज एज अ इनाकुलम। तो कुछ एक्टिवेटेड स्लज को हम यहाँ से उठा के और एरिएशन टैंक में डाल देते हैं। तो कुछ एक्टिवेटेड स्लज को उठा के जब हम एरिएशन टैंक में डालेंगे तो उस एक्टिवेटेड स्लज को हम एनाकुलम कहते हैं। इनाकुलम जैसे हमने कर्ड में भी पढ़ा था कि जैसे हमें मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करना है तो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा कर्ड हम मिल्क में डाल देते हैं, तो एज अ इनाकुलम। तो इनाकुलम इज जस्ट ए स्टार्टर, स्टार्ट द प्रोसेस। So the remaining pass into the large aeration tank, the large sludge digestal tank. So aerobic microbe present in the sludge get killed, क्योंकि जितने भी aerobic microbe वहाँ पे होंगे वो मर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे pathogen होते हैं जो उन्हें kill करेंगे, और anaerobic जो microbe होते हैं they are digested the organic masses, जो भी सीवेज में organic masses है they are digested by the anaerobe. तो anaerobic microbe हमारे लिए यहाँ पे जरूरी इसलिए है क्योंकि उसने डाइजेस्ट करेंगे वो, एरोबिक माइक्रोब तो वहीं पे मर जाएंगे एज वेल एज एरोबिक माइक्रोब ऑफ द स्लज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग द मिथेन एंड अदर सब्सटेंस लाइक H2S एंड CO2। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन सब से सेकेंडरी सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से कौन से जो है, सेकेंडरी को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो येस, नो डाउट द मिथेन H2S and methane H2S and carbon dioxide are produced in during this process and there are mixture of gases called biogas. Biogas क्या होता है कि जितने भी rural area होते हैं वहाँ पे as a fuel की तरह use किया जाता है, लोग खाना बनाने में use करते हैं, street lighting में use किया जाता है, तो जितने भी rural area होता है वहाँ पे maximum जगह पे ये ऐसे plant biogas का काफ़ी ज़्यादा use होता है। So obvious ही बात है कि जितने भी हमारे कंट्री के रिवर हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो, क्योंकि हम रिवर से ही पानी पीते हैं, जो हमारे घरों में पानी आता है वो रिवर से ही आता है। तो अगर कोई वाटर कॉन्टेमिनेट हो जाए किसी बैक्टीरिया से, पैथोजन से, तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे और देर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिवर एक्शन प्लान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ द इंडिया फ्रॉम द सीवेज पॉल्यूशन and the Ministry of Environment and Forest, this is very important, Ministry of Environment and Forest initiated a development of sewage treatment plant under the National River Conservation. तो जहाँ जहाँ major river हैं, जैसे यमुना है, गंगा है, गोमती है, सतयुग है, बहुत सारे लोग मतलब कि वो है river है वहाँ पर, उसके आसपास जो है STP यानी sewage treatment plant को develop करना बहुत ही mandatory है। So they consider the Ganga Yamuna Gomati action plan and this plan is important to conserve the major like river. So ye plan jo hai kafi important hai. Which of the following is a sewage treatment? Remove suspended solid. Yes, humne padha tha na starting mein hi ki jo bhi solid particles hai, debris hai, use kaise remove kare. So yes, no doubt it is a primary treatment. The answer will be primary treatment. नीट में आया हुआ क्वेश्चन। सो व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है। तो येस, नो डाउट इट इज़ अ मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। तो मिथेन जो होता है वो बायोगैस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो बायोगैस So biogas is a method which is rich in fuel gases produced by the anaerobic breakdown of or digestion of biomass with the help of methanogenic bacteria. Or methanogenic bacteria is also called the methanococcus bacteria. Methanococcus जो bacteria होता है जो cow के dung में maximum होता है, ठीक है। तो ऐसे जो biogas plant होते हैं जहाँ पर rural area में गाय हुए जो पालते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि जब वो गाय पालते हैं तो उसका जो गोबर होता है, डंक होता है, दे आर रिच इन मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। व्हाई इट इज़ रिच इन मिथेनोकोकस बैक्टीरिया, गाय के अंदर मिथेनोकोकस बैक्टीरिया क्यों है,
बिकॉज गाय जो है घास खाती है, घास यानी ग्रासेस, द ग्रासेस हैविंग द सेलुलोज एंड इफ द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय इनसाइड द कंपाउंड स्टमक इन काउ, सो दे द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द मिथेनोजन बैक्टीरिया, सो दैट दे आर अ लॉट ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ द काउ एंड वेन शी डिस्चार्ज फीकल मैटर और डंग, सो लॉट ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया और मिथेनोकोकस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन डंग. So this dung is used in biogas production of biogas, and this biogas is important because it acts as a fuel, it acts as lighting in rural area. So question आता है, इसे नीट में question आया है कि biogas जो है, biogas में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या composition होता है. So yes, it is composed of the methane approx 50 to 70%, CO2 approx 30 to 40%, and traces amount of nitrogen, hydrogen and hydrogen sulfides. So यहाँ पे कैसे बनता है ये थोड़ा देखते हैं. तो ये जो बड़ा सा टैंक है ये कंक्रीट ईंट से बनाते हैं इसे, दे आर कॉल्ड डाइजेस्टर एंड दिस डाइजेस्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अपर मोस्ट सर्फेस एरिया जहाँ पे डंक वाटर ये सब चीज़ डालते हैं. तो यहाँ पे रोज़ हम डंक डालेंगे, कुछ वाटर भी डालेंगे एंड दिस डंक एंड वाटर इज डायरेक्टली दैट्स कम इन टू द डाइजेस्टर. तो डाइजेस्टर में इकट्ठा रहेगा डंक एंड वाटर एंड ऑल द एक्सक्रीटा एंड ऑल द एक्सक्रीटा दे प्रोड्यूस अ मीथेन गैस, CO2 एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन. सो दे अपलिफ्ट दिस टैंक बिकॉज दिस टैंक इज अ लाइक फ्लोटिंग टाइप, इट इज़ नॉट अ फिक्स, राइट. सो ये जो होता है ये फिक्स नहीं रहता, फ्लोट करता है. और जब पूरा खाली रहेगा टैंक तो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ शिफ्ट रहेगा, बट वेन इट फिल विद द डंक और ऑल द गैसेज आर प्रोड्यूस तो दे बिकम अपलिफ्टेड स्लाइटली. सो अपलिफ्टेड होता है और पूरा का पूरा बाहर ना निकल जाए तो यहाँ पे कुछ स्क्रू वगैरह होते हैं एंड दस द CO2 CH4 CO2 एंड अदर गैसेज इज पास फ्रॉम दिस पाइप एंड दिस गैसेज यूज फॉर द कुकिंग एंड यूज फॉर द लाइटिंग इन रूलर एरिया. सो दिस बायोगैस प्लांट इज मेनली इम्प्लांटेड इन द रूलर और रूलर एरिया और खादी ग्राम उद्योग ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस बायोगैस को लगाने में. तो सो बायोगैस प्रोड्यूस बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन, जितने भी बायोगैस बनते हैं वो एनारोबिक ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो दो बार जुगाली करते हैं, मतलब कि एक बार खा लेते हैं फिर मुँह चलाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट. With the help of methanogen bacteria, and this is also called methanococcus bacteria because they are cocci, small in size. So this bacteria is always present in the rumen. Rumen is a part of the stomach, जैसे हमारे part में, हमारे stomach में का body होता है, pyloric part होता है, ठीक है, तो fundus होता है, तो उनमें एक rumen part होता है, उसके अंदर बहुत सारे bacteria present होते हैं. So lot of cellulosic material present in the food, जो भी गाय खाती है या कैटल्स खाते हैं, बहुत सारे सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और दे आर डाइजेस्टेड इनसाइड द रूमेन पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. सो द सेलुलोजिक डाइजेशन इज टेक प्लेस ओवर हियर. फर्स्ट एमसीक्यू है द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजन, द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजन आर मोस्ट अबंडेंट इन सल्फर रॉक्स, कैटल यार्ड, पॉल्यूटेड स्ट्रीम एंड हॉट स्प्रिंग. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिथेनोजन जो होता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, तो कहाँ पे अबेंडेंट होते हैं मैक्सिमम. यस, सो इट इज़ अ कैटल यार्ड, क्योंकि कैटल यार्ड में क्या होता है कि बहुत सारा कैट वो होता है, मतलब कि डंक होता है एंड दिस डंक हैविंग द मिथेनोजन बैक्टीरिया, द डंक हैविंग द मिथेनोजन बैक्टीरिया. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है कि द गट ऑफ काउ एंड बेफेलो पोजेस, गट मतलब पाइप, उनके पाइप में क्या क्या चीज़ें होती हैं. नीट में ये भी आया है मिथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस स्पीसीज एंड क्लोरिला स्पीसीज. सो नो डाउट इट इज़ अ मिथेनोजन बैक्टीरिया. सो बायोगैस प्लांट दे कंसिस्ट ऑफ द कंक्रीट टैंक, क्योंकि ये पत्थर, मतलब कि पत्थर से, मिट्टी से, सीमेंट से बना होता है और करीब जो है ईंट वगैरह से बना होता है, करीब 10 से 15 feet डीप अंदर मिट्टी में धंसा होता है. In which bio wastes are collected and the slurry of dung is fed. Biogas collect किया जाता है और slurry को वहाँ पर fed किया जाता है. So उसके ऊपर जो floating debris होता है, floating cover होता है, they are placed over the
over the slurry, and this is a over the slurry, and which keep the rising when the gas is produced in the tank. जब gas में जब tank में gas produce होगा तो ये ऊपर की तरफ uplift हो जाएगा. So the biogas plant has an outlet which is connected to the pipe which supply the biogas to nearby houses. So Indian Agriculture Research Institute, that is IARI, कभी कभी short form भी आ जाता है IARI, that is Indian Agriculture Research Institute, जो कि New Delhi में है, and Khadi Village Industry Commission KVIC, ये दोनों ही मिलके जितने भी rural area के जगह हैं उस rural area वाले area में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है बायोगैस प्लांट किया था. तो बायोगैस प्लांट इन रूरल एरिया. सो व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ बायोगैस? इट प्रोवाइड बोथ एनर्जी एंड मैन्यूर, एंड बायोगैस इज़ अ स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन यूज़ मोर एफिशेंटली एंड इकोनॉमिकली. और एनर्जी जो होता है बायोगैस का काफ़ी लोअर होता है देन द ऑर्गेनिक मैटर. अगर ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम जलाएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा. तो ये सारे जो हैं एडवांटेज हैं. सो बायो कंट्रोल एजेंट, देखो बायो कंट्रोल एजेंट में क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो है पैथोजन अवेलेबल है उस पैथोजन को पूरा का पूरा इरेडिकेट तो हम कर नहीं सकते हैं. जो पैथोजन हमें डिजीज़ पहुँचाते हैं, प्लांट को डिजीज़ पहुँचाते हैं, तो पूरा का पूरा पैथोजन को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, उसका नंबर जो है कम कर सकते हैं. तो द बायो कंट्रोल एजेंट और बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज़ अ बायोलॉजिकल मैथड, इट इज़ नॉट अ केमिकल, नॉट अ हार्मफुल केमिकल्स. सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल मैथड टू कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट. सो मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज़ किया जाता है. जैसे कोई हम फसल उगाते हैं तो उसमें बहुत सारे हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि सारे इंसेक्ट मर जाए और हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए. बट अब ये क्या है कि जो पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, दे आर मिक्स विद द ग्रेन, एंड इफ द ग्रेन इज़ कंज्यूम बाय द ह्यूमन, सो दिस ह्यूमन इज़ ऑल्सो दैट अफेक्टेड बाय द केमिकल्स. सो दिस केमिकल इज हार्मफुल टू द प्लांट एज वेल, क्योंकि प्लांट पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड ह्यूमन, एनिमल्स और इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, वी शुड रेफर्स टू द बायोलॉजिकल कंट्रोल मैथड, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मैथड जो होता है इन सब को काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर देगा. सो द पेस्ट एंड पैथोजन आर नॉट इरेडिकेटेड, या तो हम पूरी तरीके से ना तो पेस्ट को इरेडिकेट कर सकते हैं और ना ही पैथोजन को कर सकते हैं. But kept at the manageable level by the system of check and balance in operating in ecosystem. क्योंकि पूरा का पूरा अगर pathogen मर जाएगा तो प्रे क्या करेंगे, पेस्ट हो जाएगा, तो मतलब ecosystem हमारा unbalance हो जाएगा. तो हम किसी को भी पूरा का पूरा हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं. हाँ, मतलब थोड़ा बहुत इनको number को fluctuate कर सकते हैं. So organic gardener hold a view that eradication of pest is undesirable because without them the beneficial predatory, क्योंकि बहुत सारे होते हैं उसमें प्रीडेटरी होते हैं, एंड प्रीडेटरी एंड पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन देम एज अ फूड विड बी इनहेलिटेड. मतलब कि जो प्रीडेटरी होते हैं, मतलब कि पैरासाइट जो होते हैं प्रीडेटरी पे फीड करते हैं, तो वो सारा का सारा जो है हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो हम पूरे के पूरा किसी भी चीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लेडी बर्ड्स बीटल, द बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग, उस बीटल के ऊपर रेड और ब्लैक मार्किंग होता है. द फीड ऑन दैट इज एम्फिड्स, वाइल द ड्रैगन फ्लाई प्रे अपॉन द मॉस्किटो. मतलब कि ड्रैगन फ्लाई को कौन खाएगा, मॉस्किटो खाएगा, प्रे अपॉन द मॉस्किटो. तो ये सब रिलेशन जो होता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, और हमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है. द फ्री लिविंग फंगस दैट इज ट्राइकोडर्मा, and they exerted a biocontrol over the several plant pathogen. बहुत सारे ऐसे several plants हैं जिनमें fungus जो होता है as a biocontrol agent की तरह check करता है कि उसमें कोई भी different type के pathogens grow ना हो सके. सबसे important information है यहाँ पर example है, that is called buclo virus. Mostly the genus भी पूछते हैं, that is a pseudo poly hydrovirus. They are useful for the controlling of many insect. ये जो buclo virus जो होता है वो बहुत सारे इंसेक्ट को आने नहीं देता है प्लांट्स के ऊपर, एंड अदर ऑर्थोपोड्स विदाउट अफेक्टिंग द नॉन टारगेट इंसेक्ट एंड एनिमल्स को भी इफेक्ट नहीं करता है, और नॉन टारगेटिंग ऑर्गेनिज्म को भी कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल.
सो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग द माइक्रोब, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट अ सर्टेन प्लांट पैथोजन, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस दैट इज कॉल्ड बुकलो वायरस अगेंस्ट द वाइट डस्ट इन ब्रासिका, बीटी कॉटन टू इंक्रीज द कॉटन ईल्ड एंड लेडी बर्ड्स बीटल अगेंस्ट द एम्फिड्स एंड मस्टर्ड। तो सो ट्राइकोडर्मा इज अ करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज दिस वन फर्स्ट। एंड ये बुकलो वायरस अगेंस्ट द वाइट डस्ट ऑफ ब्रासिका उसके अगेंस्ट काम नहीं करता, बीटी कॉटन हम बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से करेंगे एंड लेडी बर्ड्स भी ये नहीं करता है। तो द आंसर इज फर्स्ट। सो अनदर क्वेश्चन, द कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज, दिस इज ऑल्सो इन अ नीट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बक्लो वायरस, सेकेंड ऑप्शन इज बेसिलस राइनोजेनेसिस, सी इज अ ग्लोमस एंड डी इज अ ट्राइकोडर्मा। द आंसर विल बी ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इज अ करेक्ट आंसर। सो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल अ बटरफ्लाई कैटरपिलर, क्योंकि बटरफ्लाई कैटरपिलर जो होता है वो कॉटन की इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करेगा। कॉटन जो होता है, हम आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि कॉटन की इंडस्ट्री की कॉटन के पफ वो खा जाता है, तो इसको रोकने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेसिलस राइनोजेनेसिस दैट इज़ बीटी कॉटन इज डेवलप। सो आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बिंग डेवलप फॉर द यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज इज अ फंगस दैट इज कॉल्ड ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट है, मैक्सिमम प्लांट डिजीज को ये कंट्रोल करता है। एंड दिस इज अ फ्री लिविंग फंजाई, दे आर फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम एंड दे आर इफेक्टिव फॉर द बायो कंट्रोल एजेंट इन सेवरल प्लांट पैथोजन, बहुत सारे प्लांट पैथोजन को ये इफेक्टिव करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसी पे है, द कॉमन बायोलॉजिकल एजेंट फॉर द कंट्रोल द प्लांट डिजीज, तो कौन से प्लांट डिजीज को करता है, तो येस नो डाउट दैट इज कॉल्ड ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द प्लांट डिजीज, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा है कि प्लांट डिजीज को ये कंट्रोल करने में मदद करता है दैट इज ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा जो होता है बहुत सारे प्लांट डिजीज को ये सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है।